बिस्मिल्ला कना कना पहले तो सदाकत मैं आपको आज इस चीज पे खराज तहसीम पेश करना चाहता हूं कि आपने एक ही तकरीर में पांच तकरीरें कर दी आसान नहीं ये काम माशाल्लाह बड़े जज्बात में आपने की और मुझे समझ आती हैं जज्बात क्योंकि आपके इलाके के अंदर ये बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और ये मैं इसका उस्मान बुज़दार आपको आपको भी इसका इसकी खराज तहसीन पेश करता हूं क्योंकि वो उस इलाके में ऐसे पहले कभी काम हुए नहीं ज्यादा से ज्यादा जिस तरह अभी सदाकत ने बताया कि वो बड़ा सा गवर्नर हाउस जो एक ही हो गई थी एक फैमिली की और उसमें आके वो रह लेते थे और सारा खर्चा उधर ही होता था बासठ करोड़ नहीं सदाकत तिरासी करोड़ रुपया खर्च किया था उसकी खूबसूरती के लिए तो क्योंकि वो फैमिली का घर बना हुआ था तो उन्होंने बाकी तो इतनी ज्यादा फिक्र नहीं की कि क्या होता है ये पहली दफा अब आवाम के लिए काम हो रहे हैं जो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं पहली चीज मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें इतनी देर से किसी ने ये सोचा कि सारे इलाके में यहाँ और इतनी आबादी बढ़ चुकी है कोई अस्पताल नहीं है एक छोटा सा नथिया गली में मैंने देखा हुआ एक बेसिक हेल्थ यूनिट टाइप जिसमें एक है छोटा सा लेकिन वो, वो एक डॉक्टर वहां और इतनी टूरिस्ट भी आते हैं और अब इतना ज्यादा टूरिस्ट आता है और यहाँ इतनी ज्यादा आबादी है तो उसके लिए तो वो काफ़ी नहीं था तो ये बड़ा अच्छा किया कि सौ सत्तर कनाल के ऊपर और वो भी इस इलाके में तीन सौ सत्तर कनाल होना बहुत जगह थी तो शुक्र है कि किसी ने सोचा कि उसके ऊपर एक जनरल हॉस्पिटल बने जो अवाम की खिदमत करे तो ये मैं अगर सदाकत आपकी ये आ, सोच थी तो मैं आपको इसके ऊपर राजसैन पेश करता हूँ और अगर आ, पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें किसी ने सोचा तो ये बहुत अच्छी चीज है आवाम की देखें आवाम की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है एक एक हुकूमत उनकी सेहत का ध्यान रखे फिर उनके लिए तालीम दे क्योंकि तालीम से ही एक, एक इंसान ऊपर आता है एक आदमी मजदूरी करता है उसकी तालीम नहीं होती उसको कितने सारी दिहाड़ी में पैसे मिलते हैं और उसी को आप टेक्निकल एजुकेशन दे दे, दे उसको कोई हुनर सिखा दें तो ज्यादा पैसा कमा सकता है और जितना जितना आप एक इंसान पे पैसा खर्च करते हैं उतना ही वैल्यू ऐड कर देते हैं वो और ज्यादा अपनी जिंदगी ऊपर ले जा सकता है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप अब तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं कि बुनियादी तालीम हो बच्चे को मेट्रिक की तो उसको आप छह महीने का कोर्स करवा दें तो वो एकदम अपनी अपने घर और अपने लिए बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है तो ये जो आज सार यूनिवर्सिटी की आपने मेरे से ओपनिंग करवाई है यह एक ऐसी चीज है जो कि अब एक फ्यूचर है कौम वो अजीम कौम बनती है जो आगे का सोचती है जब जंगे बदर के बाद मक्का के कुफार के कैदी पकड़े गए तो हमारे नबी वसल्लम ने कहा कि एक कैदी को वापस करने से पैसे मिलते थे उस वक्त मुसलमानों के पास पैसे ही नहीं थे छोटी सी उमा थी तो उन्होंने तब कहा कि अगर जो भी मक्के का कैदी दस मुसलमानों को पढ़ा लिखा दे उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है वो वापस जा सकता है, तो एक बड़ी सोच एक अजीम लीडर की सोच थी आगे का सोच रहा था वो अपने एक, एक, एक कौम को अजीम कौम बनाने का सोच रहे थे तालीम के बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती तो ये जो आज कुसार यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है मैं इस ये कहना चाहता हूं कि फ्यूचर है अब जो टूरिज्म है वो पाकिस्तान की फ्यूचर है मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूं जिसने सारा पाकिस्तान देखा तकरीबन सारे इलाकों में मैं जा चुका हूं कबाईली इलाके से सारे पहाड़ी इलाके सारा सिंध पंजाब बलोचिस्तान बलोचिस्तान के कई इलाकों में मैं नहीं गया लेकिन वो इतना बड़ा इलाका है लेकिन बलूचिस्तान भी काफी मैंने देखा हुआ है दुनिया भी मैंने देखी हुई है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अल्लाह ने नेमते हमारे मुल्क को बख्शी हैं हमें नहीं पता इसलिए हम ना शुक्री कर जाते हैं हमें पता नहीं कि अल्लाह ने इस मुल्क को किन किन नेमतों से नवाजा है, और हम हमें अगर हमें अंदाजा हो जाए तो हम सारा वक्त उसका शुक्र करते रहे क्योंकि इसमें किसी चीज की उसने कमी नहीं छोड़ी जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मुख्तलिफ टूरिज्म है वो अगर सिर्फ हम टूरिज्म के ऊपर जोर लगा दें तो हम टूरिज्म से इतना पैसा कमा सकते हैं कि जितनी भी आज हमारी एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसिस मिला के उससे ज्यादा टूरिज्म से पैसा कमा सकते हैं हम टूरिज्म से ही अपने कर्जे वापस कर सकते हैं ये इतना ज्यादा अल्लाह ने इस मुल्क को टूरिज्म में दिया लेकिन हमने क्या किया है सिर्फ टूरिज्म कर करवा के आके मरी में आके बस यहां रुक जाती थी हमारी टूरिज्म मरी की इतनी ज्यादा आबादी मैं जब यहां बचपन में आया करता था वो मरी क्या था और आज ये मरी क्या बन गया है क्योंकि इसके अलावा कोई और टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप ही नहीं किया हमारे इतने ज्यादा मरी और नथिया गली ये सारे इधर से अगर आप पख्तूनख्वा की तरफ भी जाए और आप गलगित की तरफ भी जाएं ये जो सारा इस इलाके के अंदर इतने ज्यादा मरी और नथिया गली बन सकते हैं लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि जो आता था ये नथिया गली और गवर्नर हाउस या वो ज्यादा से ज्यादा नथिया गली गया और उधर का गवर्नर हाउस किसी की ने तो देखा ही नहीं है इस मुल्क में किस किस तरह के हमारे पास इलाके थे तो अब ये पाकिस्तान बदलने वाला है ये सारे इलाके अब डेवलप होंगे क्योंकि हमारी जो टूरिज्म है वो पिछले चार पांच साल में हर साल दुगनी हो रही है टूरिज्म अभी बाहर से लोग नहीं आ रहे अंदर से ही पाकिस्तान की टूरिज्म तेजी से बढ़ती जा रही है और उसकी वजह क्या है मोबाइल फोन जो भी कहीं जाता है वो मोबाइल की तस्वीर ले लेता है अपनी वो जब वो अपनी फेसबुक पे लगाता है लोग देखते हैं लोग सारे उधर पहुंच जाते हैं तो यहां तो ये यह सारा इलाका खुलने लगा है और टूरिज्म एक फ्यूचर है पाकिस्तान का मैं फिर से कह रहा हूं सिर्फ हम टूरिज्म डेवलप कर लें हम अपने बैरूनी मुल्क के कर्जे वापस कर सकते हैं और उसके लिए यह बहुत जरूरी था कि अब तक टूरिज्म की हमें समझ ही नहीं है मैं फिर से मिसाल देता हूं स्विट्जरलैंड की हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसका आधा है स्विट्जरलैंड और उससे बहुत कम खूबसूरती है स्विट्जरलैंड में हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में तो आधे दुनिया के जो दस बारह सबसे ऊंचे पहाड़ है आधे तो नॉर्दर्न एरियाज में हमारे तो स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है टूरिज्म को साइंस बनाया है वहां इस तरह की जो हॉस्पिटैलिटी जो टूरिज्म के लिए कोर्सेज होते हैं जो आज को सार यूनिवर्सिटी आप ये शुरू कर रहे हैं इस तरह के कोर्सेज है वहां वो वो समझते हैं टूरिज्म को तो वो टूरिज्म से अब जरा ये सुन ले या वो साठ अरब डॉलर कमाते हैं या अस्सी अरब डॉलर कमाते हैं सोचे साठ या अस्सी अरब डॉलर वो इलाका कमाता है जो आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में क्योंकि उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया है हमने अभी डेवलप ही नहीं की टूरिज्म ना हमें अंदाजा है ना यह हॉस्पिटैलिटी में लोगों को पता है कि जब एक टूरिस्ट आता है उसको कैसे आपने रखना है होटेल्स में कैसे ये जो पूरी साइंस है ये तो ये बड़ा अच्छा कदम लिया आज पंजाब गवर्नमेंट ने इस इलाके को जो सिर्फ अब तक जिस तरह सुदाकत ने बिल्कुल ठीक कहा कि वजीर और बड़े बड़े लोग आके यहाँ मुफ्त ठहरते थे और उनकी उनके लिए करोड़ रुपया खर्च होता था टैक्स पेयर का आज उसी को आपने एक कोसार यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है और ये इधर से आप ये नौजवानों को ऐसा रोजगार मिलेगा बल्कि रोजगार ही नहीं मिलेगा आप अपनी टूरिज्म के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बना सकेंगे और ये सारा इलाका ये, और ये जो बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप ये जो कनेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म ट्रेल कोटली सतियान तक और वो नीचे ये भी बड़ा अच्छा एक क्योंकि आप इधर से प्रेशर उतारेंगे नहीं तो सारा ही सारे लोग बस यहां पहुंचाते हैं मरी में मरी और बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना यहां और टूरिस्ट नहीं आ सकता या जितनी ज्यादा पब्लिक आ जाती है वो तो चलने की जगह नहीं होती इसलिए जरूरत यह है कि और हम टूरिज्म के डेस्टिनेशन स्पॉट्स खोलें जैसे 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 आप कोटली सतिया उधर भी मैंने देखे बड़े खूबसूरत इलाके हैं उधर भी हम खोल सकते हैं और इधर से जब हम शुमाल की तरफ जाएंगे आ, आप उधर देखेंगे कि उधर भी सारा नॉर्दर्न एरियाज या सारा ये जो पख्तूनख्वा जो सारा बीच में आता है चित्राल तक हर जगह के अंदर हम जबरदस्त इस तरह की जगह बना सकते हैं ताकि हमारा टूरिज्म सिर्फ एक ही जगह ना आए सारे इलाके में जाए और अब हम सड़कें भी बना रहे हैं स्वाद मोटरवे बन गया उससे सारा खुल गया वो स्वाद से लेके पूरा आगे तक और अब वो तकरीबन चित्राल तक चला जाएगा लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी वो सब इलाका अब खुल जाएगा तो जिससे सबसे बड़ी चीज के मुकामी लोगों का फायदा होगा जो लोगों को रोजगार लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है अब इन इलाकों के अंदर उनके लिए आसानी होगी रोजगार लेने के लिए बल्कि टूरिज्म भी फायदा होगा उस इलाके को भी फायदा होगा और सबसे बड़ा रोजगार लेने के लिए मुकामी लोगों को फायदा होगा और आखिर में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो आपने सदाकत बात की इमरान वो इकनमिक्स इमरान खान ने इनॉमिक्स नहीं बनाई वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में बनाई थी और वो थी क्या उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप अपने कमजोर और गरीब तबके को ऊपर उठा दें तो कौम ऊपर उठ जाती है उन्होंने ये चीज साबित की थी पहली दफा दुनिया में फलाई रियासत बनाई गई थी रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर और गरीब तबके की और जब यह रियासत करती है अपने कमजोर और गरीब तबके की मदद करती है तो अल्लाह की बरकत आती है उस कौम के ऊपर फिर अल्लाह सब कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से और इज्जत और इंसान को खुशी तो अल्लाह की तरफ से मिलती है तो जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमजोर तबके की अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पर जब जितनी मैंने दुनिया देखी है जो जो दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्क मैंने देखे हैं स्कैंडिनेविया एक इलाका है जो सारा नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क जितने भी दुनिया के खुशहाल इलाके हैं उन सारे इलाकों के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा नुमाया है वो अपने लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया अपने मुल्क में गुर्बत कम करने के लिए इसलिए वो खुशहाल हैं तो जो मदीना के रियासत का मॉडल है वो अगर गैर मुसलमान भी वो उसको अपना ले तो उधर भी खुशहाली आ जाती है सिर्फ यही नहीं कि आज अगर दूसरे मुल्क ज़्यादा हमारे से आगे निकल गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने वो काम किए उन्होंने वो प्रिंसिपल्स पे चले उन्होंने वो स्टेप्स लिए उन्होंने वो कदम उठाए जिसकी वजह से वो कदम उठाए जो मदीना के रियासत की असूल बनाए गए थे हमारे नबी सल तो जो कौमों उन, उन पर चलेगी वो ऊपर आ जाएगी तो मुझे जो आखिर में कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई दो हजार तेरह में तो बहुत बुरा हाल था क्योंकि वॉर ऑन टेरर की वजह से तबाह मिची हुई थी वहां पुलिस का बहुत बुरा हाल था क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे थे बड़े प, कोई 500 सौ पुलिस वालों ने कुर्बानियां दी थी शहादतें दी थी लोग पशावर से उठ उठ के आके इस्लामाबाद में ज़मीनें ले रहे थे तो जो 2013 से 2018 में हमारी गवर्नमेंट थी अब तो यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी ने बकायदा रिपोर्ट शाया की है कि जिस सूबे ने सबसे तेजी से गुर्बत कम की थी वो पख्तूनख्वा था पांच सालों में और अब जो यू की रिपोर्ट आई है अमीर और गरीब में जो फर्क कम किया गया था वो पुख्तवा में हुआ था उन पांच सालों में और अब हो रहा है और सबसे बड़ी चीज ये कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो इंसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सरमायाकारी की थी डेवलपमेंट की थी वो पुख्तवा ने की थी 2013 के बाद और यही मेरा मॉडल है इनशाला पाकिस्तान का कि सारे मुल्क में हम इन न अपने निचले तबके को ऊपर उठाएंगे इंसानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे हमारा जो मरकज होगा हमारी जो जो मेन फोकस होगा वो हमारे लोग होंगे और ख़ास तौर पे वो लोग और वो इलाके जो पीछे रह गए हैं तो उसके अंदर आपके भी इलाके आ जाते हैं सारा जितना इलाका ये पीछे रह गए इसलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है नौकरियाँ लेने के लिए और यहाँ से नौजवानों को नीचे जाना पड़ता है तो हमारी अब पूरी कोशिश है इंशाल्लाह इन इलाकों को हम डेवलप करें ताकि यहां नौजवानों को अपनी अपने इलाकों में नौकरियां मिलें बजाय उनको अपना इलाका छोड़कर कहीं और दूर जाना पड़े बहुत बहुत शुक्रिया